हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। आज की क्लास कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सेट्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं आपको। आज हम आपको ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बताएंगे। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स में भी फंडामेंटल एप्लीकेशंस होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तो ये जो सेट है, ये सेट थ्योरी मैथ्स का एक अलग ब्रांच है। इसमें भी हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ये सारी चीजें सीखेंगे, जो जो होता है, जिसकी जिसकी पॉसिबिलिटी है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, और तुम एकदम आराम से सीखोगे। बस ध्यान से देखने की जरूरत है, ध्यान मत भटकाना, एक बार सुन लोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये इसको हम इस तरीके से सिखाएंगे। यहां ऑपरेशन का नाम होगा, यहां सिंबल होगा, अदर मीन प्रैक्टिकल मीन, और सबसे स्टार्टिंग में क्या है, नेम, फिर सिंबल, फिर अदर मीन, फिर प्रैक्टिकल मीन। जब इन चीजों को समझ जाओगे उसके बाद हम बताएंगे इसका वेन डायग्राम, कि हम इन ऑपरेशंस को डायग्राम के थ्रू कैसे दिखा सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो पहला ऑपरेशन आता है ये है यूनियन, और इसका सिंबल यू के जैसा बना दो ऊपर की तरफ, ये यूनियन हो गया। मैथ्स के लैंग्वेज में ये यूनियन यानी एडिशन, सेट्स के लैंग्वेज में यूनियन। यूनियन को हिंदी में देखो, हिंदी तुम लोग सीखना नहीं चाहते, हिंदुस्तान में होके अगर हिंदी कोई वर्ड लिख दिया जाए तो तुम लोगों को लगता है कि अरे यार ये क्या सर बोल दिए, ये कौन सी गाड़ी दे दिए। अरे हिंदी भी जानो कुछ, हिंदी इसका ओरिजिनल और रियल मीनिंग निकाल के सामने ला कर रख देगा। यूनियन को हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, सम्मिलन, सम्मिलन। अगर इसको तुम अलग अलग तोड़ दो, सम्मिलन इसका मीनिंग होगा सम्मिलन यानी एक साथ मिलाना। अब यूनियन यूनियन तुम सोचते रह जाते, यहां पे साफ बोल दिया एक साथ मिलाना। एक साथ मिलाने का मतलब क्या हुआ, कि दो सेट के एलिमेंट को आपस में मिलाना। जैसे होता क्या है, तुमने देखा होगा कि जैसे ही शादी ब्याह हुआ, दो भाई हैं, दोनों भाई में लड़ाई हुई, संपत्ति का बंटवारा हो गया, दोनों अलग अलग रहने लगे, चार पांच बच्चे उसके हैं, चार पांच बच्चे इसके हैं। ये कितना बढ़िया काम करता है, ये क्या करेगा, उन दोनों भाइयों को कहेगा कि एकता में ताकत है, अलग अलग मत रहो, मत लड़ो, आओ एक ही घर में रहो, प्यार से रहो। तो ये मिलाने के काम करता है। अदर मीन, अदर लैंग्वेज, दूसरे शब्दों में, जैसे यूनियन बड़ा शब्द हो गया, दूसरे शब्दों में हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो यूनियन के लिए जो वर्ड यूज होता है और या एट लीस्ट वन, और या एट लीस्ट वन। प्रैक्टिकल मीनिंग जानने के लिए हमें कुछ सेट्स लेने पड़ेंगे, ताकि मैं यूनियन करके दिखा सकूं। प्रैक्टिकल मीन अगर जानना है तो जैसे देखो, सपोज करो यूनिवर्सल सेट ये दे दिया। यूनिवर्सल सेट मैंने पढ़ाया था जो सबसे बड़ा सेट, सबका बाप। एक क्वेश्चन में अगर पांच सेट होंगे तो बाकी चार का ये बाप होगा, यानी बाकी चार के एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में जरूर मिलेंगे। ये यूनिवर्सल सेट, इसके लिए आप एपिसोड 6 देख सकते हो, उसमें आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, इंटरवल भी मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट मान लो हो गया 1 से लेके 8 तक, और ए एक सेट हुआ जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 6, और बी एक सेट हुआ जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 7। इनफ है तुम्हें समझाने के लिए।
तीन चार सात। अब देखो कई बार ये जो हमने तोड़ा इसको संधि विच्छेद जैसे हम करते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा संधि विच्छेद, कई बार इसको तोड़ के मीनिंग निकालते हैं और कई बार गलत संधि विच्छेद अगर कर दिया तो खतरा भी होता है। बता दूं पहले जब हमने 11 ट्वेल्थ की पढ़ाई की थी 1994 में, उस समय एक राइटर की बुक आती थी, उसमें प्रोबेबिलिटी के पहले एक छोटी सी कहानी लिखी हुई थी इसी संधि विच्छेद के ऊपर कि अगर तुमने गलती किया, तुम्हारा संधि विच्छेद गलत हुआ तो देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है तुम्हारे साथ। उस कहानी में क्या था कि एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, आठवीं क्लास के बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा बहुत शरारती है, बहुत शरारती। वो कभी क्या करता है, दो बच्चों के जूते का फीता बांध देता है, कभी क्या करता है किसी को पेन मार देता है, कभी किसी के बैग में किसी की कॉपी दूसरे के बैग में, उसकी कॉपी उसके बैग में, इस टाइप की शरारत। और सर भी जानते होते हैं कि ये बहुत शरारत करता है, शरारती बच्चा है ये। सर सोचते हैं कि यार इसको मैं सही कैसे करूं, या तो पढ़ाना मुश्किल कर दिया इसने। बहुत प्यार से उसको समझाया कि बेटा शिक्षा में ही सब कुछ है, शिक्षा से विनम्रता आएगी, शिक्षा से आचरण सही होगा। अगर शिक्षा है तुम्हारे पास तो तुम कभी मार नहीं खा सकते, इसलिए मन लगा के पढ़ो। ये शरारत क्यों करते हो, बदमाशी क्यों करते हो? भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, शरारत तो करेंगे ही, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। बहुत गुस्सा आया टीचर को, टीचर ने कहा बच्चों सुनो, ये शरारती जो बच्चा है आज के बाद इसका नाम होगा गोबर गणेश। अब गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? गोबर गणेश मूर्ख का पर्यायवाची शब्द है ये, गोबर गणेश। गोबर गणेश मतलब महामूर्ख। अब तो भाई बच्चों ने, क्लास के बच्चों ने उसका जीना हराम कर दिया। जैसे ही ठीक ठाक था, अट्टा कट्टा था, लेकिन दुबला पतला, एक लीवर का बच्चा भी मुंह पे हाथ रखता रख के बोलता, अरे गोबर गणेश आ गया, गोबर गणेश आ गया। भाई किसी को भी बुरा लगेगा, वो सोचता था कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, स्मार्ट हूं, अब बताओ बच्चे मेरा जीना हराम कर दिए। बहुत उसको मतलब ग्लानी महसूस हुई। उसने सोचा कि नहीं, अब कल से मैं पढ़ाई करके दिखाऊंगा और इन सब की बोलती बंद कर दूंगा, दिखा दूंगा कि मेरे अंदर भी दम है और मैं जो ठान लेता हूं वो करके रहता हूं। अगले दिन से वो बच्चा बिल्कुल सीधा हो गया, एकदम सभ्य की तरह आके बैठा। सर ने उस दिन कोई कविता पाठ करवाया बच्चों को, और कविता पाठ कराने के बाद होमवर्क दिया कि बच्चों इस कविता को घर से कंठस्थ करके आना है। अब तुम लोगों को भी मीनिंग मालूम नहीं होगा तो बता दे रहा हूं। हाँ हाँ बिल्कुल एकदम सही, एग्जैक्ट याद करके आना है। सबने होमवर्क लिखा, उस गोबर गणेश ने कंठास्थ को कंठास्थ लिख लिया। अब घर पे पहुंचा, अब सोचने लग गया यार ये कौन सा नया वर्ड है, ये कंठास्थ ये क्या होता है, तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है कि ये कंठास्थ का मतलब क्या होता है। पूरे गांव में घूम गया, ओए काका अरे भाई कंठास्थ का मतलब बता दो भाई। काका भी चकरा गए, यार ये कंठास्थ ये कौन सा नया जानवर आ गया, ये कौन सा नया हिंदी आ गया। फिर उस बच्चे ने सोचा कि मैं इंटेलिजेंट हूं, बिना मतलब मैं गांव में घूम घूम के काका काकी दादा को परेशान कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, इस शब्द का संधि विच्छेद कर दिया। मैंने क्या बताया था कि गलत संधि विच्छेद कई बार हंसी का पात्र बना सकता है। उसने संधि विच्छेद किया कैसे, कंठ जमा अस्त। संधि विच्छेद करते ही उसके चेहरे पे चेहरा खिल गया, खुश हो गया बिल्कुल कि अरे मेरे को तो समय ही नहीं लगा, मैं तो कल ही हीरो बन जाऊंगा क्लास में। ये तो आठवीं क्लास के बच्चे तो यहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो कहां सोच पाएंगे कंठ जमा अस्त। बहुत खुश हुआ, अगले दिन एकदम नींद नहीं आ रही थी रात में कि स्कूल में जाके कल मेरे को हीरो बनना है। अगले दिन उठा, नहा धो के पूजा पाठ किया, फिर उस कविता को बुक में से फाड़ा,
उसने इसका मीनिंग क्या निकाला, कंठ जमा अस्त, जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्य का विलीन हो जाना, अस्त हो जाना, तो उसने अर्थ निकाला कि कंठ में विलीन हो जाना। अब उसने पूरा कविता पाठ फाड़ा, उसको जलाया, जला के भभूत बनाया और पूरा बटन खोल के पूरा गर्दन में लपेटा यहां से यहां तक, और फिर बटन बंद करके आगे जाके क्लास में सबसे अगले बेंच पे जाके बैठ गया। बहुत बेचैन भाई, तुम्हें सब, तुम में से सबको पता होगा कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है यार। किसी का अगर इंतजार करना हो, दो दोस्त कहीं जा रहे हो और किसी दोस्त ने कहा कि चल यार यहां पे खड़े हो जाना, मैं आ रहा हूं एकदम एक मिनट में, और अगर वो 5-10 मिनट लेट हो गया, कैसा कैसा लगता है, अजीब सा गुस्सा आता है, छटपटाहट, मन करता है गाली दे उसको। तो भाई वो भी बेचैन था कि कब सर आए और मैं हीरो बनूं। सर आए क्लास में, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, सारे बच्चे खड़े होकर सर का सम्मान किए, सर ने कहा बैठो बैठो बैठो, सब बैठ गए। सर का पहला क्वेश्चन था कि चलो बताओ किसने किसने गृह कार्य किया, होमवर्क किया। वो लड़का फट से खड़ा हो गया, बोला कि सर अरे कम से कम हमारा लेवल देख के तो होमवर्क दिए करो, आप तो इतना टफ टिफ क्वेश्चन पूछ देते हो, बताओ 8वीं क्लास के बच्चे ऐसे कैसे ऐसा कठिन होमवर्क कर पाएंगे। सर ने कहा अरे इसमें लेवल वाली कौन सी बात है, ये क्या कठिन है, तुम लग रहा है करके आया होमवर्क। सर मैं ही करके आया हूं, मेरे अलावा किसी से होने वाला भी नहीं है। बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है सुनाओ। बोला अरे सर मजाक मत करो, सुनाओ आप, बोलो दिखाओ दिखाओ। टीचर ने कहा ठीक है दिखाओ दिखाओ, बस इतना बोलना था, बटन तोड़ा और पूरा घूम के कह रहा भाई देखो देखो। अब बच्चे हंसने लग गए, ये बताओ ये गधा क्या करके आ गया। टीचर ने पूछा अबे क्या किया ये। बोला सर आपने ही तो बोला था कंठास्त करने को, मैंने कंठ में अस्त कर लिया, पूरा भभूत बनाया और विलीन कर लिया। तो हिंदी तो समझो, हिंदी जानो, लेकिन सही तरीके से जानो, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो उस गोबर गणेश की बात छोड़ो, अब आ जाते हैं यहां पे। तो यूनियन यानी सम्मिलन का मतलब क्या होता है, एक साथ मिलाना। अब जैसे मान लो यहां पे सेट ए है और सेट बी है, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। क्या पढ़ोगे बच्चों इसको, ए यूनियन बी, ए और बी। अगर तुम बोलते हो ए और बी, ये भी सही है। अगर बोलते हो ए यूनियन बी, ये भी सही है। मतलब एक भाई ए है, 4 बच्चे इसके हैं, एक भाई बी है, मतलब 4 मेंबर इसके घर में और 3 मेंबर इसके घर में। मैं ये नहीं कह सकता कि 4 इसके बच्चे 3 इसके बच्चे, फिर तुम दिमाग लगाने लग जाओगे कि ये 3 A का भी बच्चा है, 3 B का भी बच्चा है, 1 बच्चे के 2 बाप कैसे हो गए। समझता हूं मैं, शरारती तो तुम लोग हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ये ए के एलिमेंट्स हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, बी का एलिमेंट इस परिवार का सदस्य। अब तुम कहोगे कि सर कि एक ही मेंबर इन दोनों में कैसे आ गया, क्यों नहीं आ सकता है, घर का बंटवारा हुआ, मम्मी मर गई पापा जिंदा थे, तो एक शाम पापा का खाना इसके यहाँ बनता है, एक शाम इसके यहाँ बनता है। अरे 50% घरों में ये दिक्कत होती है, बाप को खिलाने में भी लोगों को सोचना पड़ता है, पता नहीं कैसा समय आ गया है, मतलब देख के आंसू निकल आते हैं। अब क्या बताऊं, चलो अभी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन बीच में कभी ना कभी कुछ सच्ची घटनाएं हम तुम्हें बता ही देंगे। तो ये बाप है जो ए का भी, ये 3 A का भी बाप है और 3 B का भी बाप है, ए के यहां भी रहता है, बी के यहां भी रहता है। जब इनका यूनियन करोगे, जब इनको मिलाओगे आपस में, तो क्या लिखोगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुछ समझ में आया, किसी एक एलिमेंट को सेट के अंदर रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज मीनिंगलेस अंडर सेट। क्या पूछा, हाँ हाँ ये तो पहली क्लास में बता दिया था कि किसी भी एलिमेंट को आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऑर्डर डजंट मैटर, लेकिन अगर तुम अरेंज करके लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी
एक कहावत है भोजपुरी में कि आपन सतुआ जूता में सान के खाओ। मेरे को क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि तुम शर्ट पहन लो ऊपर से बनियान पहन लो, मेरे को क्या मतलब है? पहन तो लिया ना तुमने, तो भाई इसका ऑर्डर अगर इधर उधर कर दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वो भी सही माना जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम यूनियन, यानी दो परिवार को मिलाते हैं और जो दोनों सेट में हो उसको एक बार लिखना है। तो शायद तुम्हें यूनियन समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑपरेशन है यूनियन के बाद, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, अब बताओ, चलो ठीक है, तुम कह रहे थे ना, वो ये बोल रहा था ना ये अंकित जो है कि नहीं सर इंग्लिश ही सही है हमारे लिए, ठीक है बताओ इंटरसेक्शन। अगर हिंदी में ये लिखा होता तो तुम जरूर बता देते थोड़ी कोशिश करके, बताओ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा ना क्या होगा? हिंदी में इस इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ। है थोड़ा कठिन है, इंग्लिश ही पढ़ना कोई बात नहीं, लेकिन जान लो नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, इसलिए सुनो और सीखने की कोशिश करो। सर्वनिष्ठ को जब दो पार्ट में तोड़ोगे, फिर से मैं संधि विच्छेद की बात कर रहा हूं लेकिन उस गोबर गणेश की तरह नहीं, सर्व जमानिष्ठ, सर्व को अलग करो निष्ठ को अलग करो, सर्व मतलब सभी जगह, निष्ठ मतलब निवास करना, रहना, सभी जगह रहना। इसको इंग्लिश में एक वर्ड में बोलोगे कॉमन एलिमेंट। सभी जगह रहना मतलब जो इस सेट में भी है उस सेट में भी है, दोनों में जो कॉमन है वही होता है सर्वनिष्ठ, वही होता है इंटरसेक्शन। और इसका सिंबल कैसा होगा? नीचे की तरफ, ये देखो ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। अब देखो अभी सिंबल, मैं जिस टीचर से पढ़ता था भाई, बड़े अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे थे, इसलिए बोल रहा हूं कि अब शायद नहीं होंगे, जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय मेरे टीचर थे, तो वो जब भी ये सेट्स पढ़ाते थे ना इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में, जब भी सेट यूज करते थे तो एक कहानी सुनाते थे। बच्चे बोलते थे कि सर ये तो ऊपर वाला सीधा यू है, ये नीचे वाला यू है। बोले कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, इस बात पे सर को आता था, हंसते थे पहले कि इतनी मेमोरी तुम्हारी कमजोर हो गई महेश और उमेश की तरह। सर पूछते थे सर महेश और उमेश कौन सा? तो सर बताते थे कि उनके गांव में दो आदमी था, महेश और उमेश। और बच्चों शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि हमने 92 में मैंने टेंथ किया था, हमने छठी क्लास से तो इंग्लिश पढ़ना सीखा था, ABCD सीखा था छठी क्लास में। अब आज के डेट में क्या है, पहली क्लास से बच्चे ABCD से बच्चे शुरुआत ही करते हैं पढ़ना, हमने छठी क्लास में ABCD सीखा था। और बहुत पहले लोगों को आराम से जॉब मिल जाता था, पढ़े लिखे कम थे, लिटरेसी इंडिया में बहुत पुअर थी, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है जॉब मिल जाता था। तो सर बताते थे कि उनके गांव में उमेश और महेश दो भाई थे, उनको जाना था रेलवे में इंटरव्यू देने, ठीक है, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो ABCD सिखाने के लिए टीचर रखा गया, ट्यूशन टीचर, कि जाएंगे इंटरव्यू देंगे, ये मान लो कुछ ABCD का कोई लेटर पूछ दे, है ना। वो टीचर चार दिन पढ़ा के, पांच दिन पढ़ा के टीचर बेचारे थक गए, ये लोग ABCD याद करने कोई तैयार नहीं, इनसे याद ही नहीं हो रहा है। टीचर भी थे हार नहीं मानने वाले, पता है कैसे सिखाए ABCD उन्होंने? उन्होंने जैसे ए लिखा, बोला कि देखो जी महेश उमेश इसे याद रखो, ये तुम्हारा पड़ोसी है ना अमित, अमित की बीबी, बी बाबूलाल की बीबी, सी चंद्रपाल की बीबी, डी देवदत्त की बीबी, ऐसे करके 26 के 26 लेटर। अरे वाह चमत्कार हुआ, अगले दिन एकदम सुना दिया महेश उमेश दोनों ने, अमित की बीबी ये है। अब वहां पे इंटरव्यू में इंग्लिश कैसे ही पूछा जाता था कि बताओ ये क्या है। सर ने पूछा फटाफट बता दिया, दोनों भाई ने गए इंटरव्यू देने, दोनों पहले नंबर आया किसका? उमेश का। सब कुछ पूछा जो इंटरव्यू लेने वाला था, और उमेश से ये पूछा कि उमेश ये बताओ कि ये
कौन सा लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा लेटर है? उमेश बोला, अरे सर क्या, ये तो हमारे सर ने बता दिया है, ये तो मोहन की बीवी है, एम फॉर मोहन की बीवी। वाह वाह, जाओ सेलेक्टेड। बाहर जो महेश बाबू बैठे थे उनके तो पसीने छूट रहे थे कि पता नहीं जॉब होगा कि नहीं होगा, क्या पूछा जाएगा। और संयोग देखो, जब महेश बाबू अंदर इंटरव्यू के लिए गए तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा कि महेश ये बताइए कि ये क्या है। अब एक तो इंटरव्यू का प्रेशर, अब महेश बाबू तो भूल गए कि ये किसकी बीबी है, बहुत दिमाग लगाए। इंटरव्यू वाले ने पूछा, अरे बोल क्यों नहीं रहे हो, है क्या ये? अरे सर क्या बताऊं, ये लग तो रही है महेश की बीबी, मगर ये उल्टी क्यों खड़ी है समझ में नहीं आ रहा सर, कि उल्टा होके क्यों खड़ी है। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे भी टीचर सुनाया करते थे कि जब भी ये यूनियन इंटरसेक्शन आता था, ऊपर का साइन नीचे का साइन, तो ये बात जरूर बताते थे, हर बैच में बताते थे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा फ्रेश होना जरूरी होता है, माइंड फ्रेश होगा। मैथ्स एकदम खेल, मैथ्स क्या है, मैथ्स खेल है। अभी देखें आगे बढ़ेंगे हम, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं तुम लोगों को प्लेवे मेथड से पढ़ाऊंगा। क्या बढ़िया जबरदस्त मेथड होता है प्लेवे, अरे खेल खेल में मैथ सीख जाओगे। प्लेवे मेथड में यूज करके दिखाऊंगा क्लास में, तुम प्लेयर रहोगे, तुम गेम खेलोगे, मैं जज रहूंगा। और प्लेवे मेथड से देखना कितना जबरदस्त मेथड है, थोड़ा इंतजार करो उसके लायक टॉपिक आने। तो ये इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन को हम अपनी भाषा में क्या बोलेंगे, या तो एंड बोलेंगे या बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। अब जैसे मैं बोलूं कि बाहर जाओ और एक ऐसा पर्सन पकड़ के लाओ जो लंबा हो एंड गोरा हो, क्या मतलब हुआ इसका? ये दोनों खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए, लंबा भी होना चाहिए और वो गोरा भी होना चाहिए। और वही मैं बोलूं कि जाओ जी बाहर जाओ, ऐसा पर्सन पकड़ के लाओ जो लंबा हो या गोरा हो, तब लंबा होगा तो भी चल जाएगा, गोरा होगा तो बड़ा गोरा होगा तो भी चल जाएगा, और अगर दोनों होगा तो सोने पे सुहागा। तो यहां एंड का मतलब होता है कि जो प्रतिनिधित्व करता हो और इसका भी प्रतिनिधित्व करता हो, इसको भी बिलोंग करता हो, इसको भी बिलोंग करता हो। यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो ये देखो कि ए और बी में कॉमन क्या है, जो कॉमन एलिमेंट हो गया वही इंटरसेक्शन है। तो इसमें देखोगे ध्यान से, तीन दोनों में कॉमन है, यहां भी है यहां भी है, यानी ये हो गया आंसर, क्या हो गया, तीन। कितना आसान है, यूनियन मतलब मिलाना, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन करना। दो ऑपरेशन तो सीख गए, यूनियन इंटरसेक्शन। तीसरे नंबर पे जो ऑपरेशन आता है सबट्रैक्शन, घटाओ, सबट्रैक्शन घटाओ, माइनस का साइन ही होता है। लेकिन अगर तुम ए माइनस बी करोगे तो फिर तो फंस जाओगे। अगर तुमसे पूछा जाए a माइनस बी निकाल, तुम में से कितने बच्चे a में से b को घटाने लग जाएंगे, कितने क्या करेंगे, a के सारे एलिमेंट को जोड़ देंगे, b के सारे एलिमेंट को जोड़ देंगे और घटा देंगे। ना ना, माइनस को हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, माइनस को हम अपनी भाषा में बोलते हैं बट नॉट। और ये जब बोलोगे अपने आप मीनिंग निकल के सामने आ जाएगा, बट नॉट। आप a माइनस बी मत पढ़ो, इसे पढ़ो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। क्या मतलब हुआ इसका, अब सेंस निकालो, ऐसा एलिमेंट जो ए में तो हो मगर बी में ना हो। फिर से सुनना, यहां कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ऐसा एलिमेंट जो ए में जरूर हो बी में बिल्कुल ना हो। बताओ ए का, अब देखो जो तुम्हारा आंसर आएगा, जो ए माइनस बी आएगा, ए के एलिमेंट में से ही आएगा, क्योंकि पहला कंडीशन क्या है, ए में जरूर हो, दूसरा कंडीशन क्या है, बी में ना हो। तो अब देखो कि इन चारों में ऐसा कौन है जो बी में नहीं है, कौन है बताओ,
अच्छा बिल्कुल सही, पहला तुम्हारा हो गया टू, दूर दूर तक बी में नहीं है, तीन तो है बी में तो तीन नहीं ले सकते। अगला हो गया पांच जो ए में है मगर बी में नहीं है। अगला हो गया छः जो ए में है मगर बी में नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया टू फाइव एंड सिक्स। इस तरीके से वही अगर मान लो हमें बी माइनस ए अगर करने को मिलता है, बी माइनस ए, माइनस मत पढ़ो, बार बार मना कर रहा हूं, इसे क्या बोलोगे बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, यानी बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो। यहां कंडीशन क्या है, बी में जरूर हो ए में ना हो। अब देखो बी के तीन एलिमेंट है, तीन चार सात, इनमें से कौन सा ए में नहीं है? क्लियरली कोई भी बता देगा, अगर चौथी क्लास का बच्चा होगा वो भी बता देगा कि सर तीन तो है लेकिन चार और सात नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पे फोर एंड सेवन। कोई कंफ्यूजन है बताओ, है कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद अगला जो ऑपरेशन आता है ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हिंदी में इसको पूरक बोलते हैं, पूरक, और इसके लिए हम डैश लगाते हैं या सेट के ऊपर, या तो डैश लगा दो जैसे ए डैश या बार लगा दो। कहीं कहीं तुम देखोगे किसी किसी बुक में ऐसे सी लिख देता है सेट के अंदर, ए के ऊपर सी, लेकिन हम इसको पूरक नहीं बोलते, अपनी भाषा में इसको नॉर्मली हम बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं? नॉट। अच्छा अब जैसे मान लो लिखा हो, अब मैं इसका प्रैक्टिकल मीनिंग बता रहा हूं, अगर मान लो लिखा हो ए नॉट, क्या मतलब हुआ इसका ए नॉट? ब्रह्मांड की वो संपत्ति जो ए के पास ना हो। जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा ध्यान रखना यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी। अगर सेट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें ये डैश या बार दिख गया तो बगैर यूनिवर्सल सेट के आप नहीं निकाल सकते। ए नॉट निकालना है यानी ऐसा एलिमेंट ब्रह्मांड की वो संपत्ति। अब ब्रह्मांड के पास क्या संपत्ति है अभी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अरे ये पानी पानी में सब कुछ है, चार पाँच छः सात सब है इसमें, एक से लेके आठ तक, उनमें से ए के पास क्या है दो तीन पांच और छः, ए के पास क्या नहीं है? ए नॉट का मतलब जो ए के पास नहीं है बताओ क्या नहीं है, वन नहीं है और फोर नहीं है और सेवन नहीं है और एट नहीं है, ऐसे निकालते हैं नॉट। ए नॉट यानी ब्रह्मांड की वो संपत्ति जो ए के पास ना हो। सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, जो बच गया उसको लिख दो, ये नॉट हो गया। बी नॉट तो जो बी में ना हो, अगर बोला जाए ए यूनियन बी का नॉट, तो भाई मेरे पहले ए यूनियन बी निकालो। कैसे निकालते हैं यूनियन, कैसे निकालते हैं, ए और बी को मिला दो आपस में, ए और बी को मिलाओगे तो ए और बी को यहां मिलाया था क्या क्या आ गया, दो से सात तक, दो तीन चार से लेके सात तक, और इसका नॉट है तो नॉट लगा दो। अब नॉट कैसे निकालते हैं, तो ये जो ब्रह्मांड है यूनिवर्सल सेट है इसमें से इन सबको गायब कर दो, जब इनको गायब करोगे दो से सात तक गायब कर दोगे, दो से लेके सात तक, तो क्या बचेगा, वन बचेगा, एट बचेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा वन एंड एट। इस पे और बढ़िया हम प्रैक्टिस करेंगे और जब पूरा सिखा देंगे तो हम टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का, जब ये बता देंगे उसके बाद प्रॉपर्टीज बता देंगे फिर एक टेस्ट बनाएंगे क्लास टेस्ट। ये चार ऑपरेशंस आपके एनसीईआरटी की बुक में है, पांचवा ऑपरेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आइडिया जरूर दूंगा। पांचवा ऑपरेशन होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसका सिंबल
डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, ऐसे समझो अगर ए डेल्टा बी निकालना है तो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों को आपस में मिला देते हैं। ए माइनस बी मतलब ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए। इसको मैं मतलब पता है कैसे याद रहेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे याद रहेगा, मैं बता रहा हूं, वन मैन वन पोस्ट, वन मैन वन पोस्ट, ऐसे समझो इसको, वन मैन वन पोस्ट जो बोला। जैसे ये दो सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए सेट मान लो डॉक्टर का है और बी सेट मान लो टीचर का है, और यहां कुछ डिजिट मैंने भर दिया ए बी सी डी ई। क्या बोलोगे, ए अगर डॉक्टर का सेट है, बी टीचर का सेट है, तो तुम बोलोगे ए डॉक्टर है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी डॉक्टर है, बी किसका सेट था, टीचर का, डी टीचर है, ई भी टीचर है, ये सी क्या है, घोर लालची, मतलब डॉक्टरी से पेट नहीं भर रहा है, टीचिंग भी कर रहे हैं, ये दो दो जॉब कर रहा है। देखो डॉक्टर वाले सेट में भी है, टीचर वाले सेट में भी है, कॉमन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन, ये सी, तो सी तो दो दो काम कर रहा है ना जी, ये डॉक्टरी भी कर रहा है और टीचिंग भी कर रहा है। तो डेल्टा में ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलती जो दो नाव की सवारी कर रहे हो, यानी कॉमन को छोड़ दो और बाकी सारा ले लो, कॉमन एलिमेंट को छोड़ दो बाकी ले लो, यानी ए डेल्टा बी जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी डी ई, ये होगा हमारा आंसर। तो ध्यान रखना ये एक सिमेट्रिक डिफरेंस हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन जब आगे तब चलोगे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करोगे तो वहां ये सिंबल डेल्टा जरूर दिखेगा। तो ये था बच्चों ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब अगले एपिसोड में हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टीज, फिर इसका हम टेस्ट लेंगे और तब हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, यानी सेकेंड चैप्टर जो हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन। इन टॉपिक्स को मैक्सिमम टीचर्स या बच्चे सोचते हैं कि ये थ्योरी वाला टॉपिक है, बोर टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इनमें कुछ सोचना नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना, ध्यान से सुनो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी अगले एपिसोड यानी 9th एपिसोड में आई थिंक सो ये सेट्स का लास्ट एपिसोड होगा, 9th जो आएगा उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे रिलेशन टॉपिक की तरफ।